गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। मैं हूं डॉक्टर अनुराग सिंह और जैसा कि आप सभी को पता है, वी हैव लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ वीडियोस ओवर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक फॉर UPSC एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली द स्टेट सर्विसेज। UPSC प्रीलिम्स में तो लगभग एक से दो सवाल पर ईयर इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड इसी को देखते हुए हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व। हम लोग पूरा डिटेल देख रहे हैं, एवरी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वी आर फोकसिंग अपॉन विद द फ्लोरा, विद द फौना, विद द ज्योग्राफिकल लोकेशन। और इस सीरीज के ऑलरेडी 10 वीडियोस पोस्टेड हैं, आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हमारा पूरा फोकस गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व पे, एक ऐसा मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व जो श्रीलंका और तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया के बीच में लोकेटेड है, गल्फ ऑफ मन्नार। और आप देख सकते हैं इमेज से दैट यहाँ पे सबसे जो मेजर दिस क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, इट्स फुल ऑफ कोरल रीफ्स, एज यू कैन सी इट हियर, कोरल रीफ। तो हम ये डिटेल में आज देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, सो दैट यू मे बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अ एग्जॉस्टिव सीरीज, आपको इसके बाद कुछ नहीं कहीं नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूं डॉक्टर अनुराग सिंह और मैं एडवाइस करूंगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, द नोटिफिकेशंस अबाउट द बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट वीडियोस कमिंग फॉर UPSC प्रिपरेशंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस। एंड टेलीग्राम चैनल, इस सेशन के फ्री PDF के लिए आइए हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे। And yes, students, even I am an academy educator. I take up classes upon the an academy app. I take up plus courses, free special classes, and also I take up daily current affairs in the morning upon the an academy YouTube channel. Let's crack UPSC CSE. So, aap an academy pe bhi mujhe follow kijiye to get the best content and the best videos upon the best platform of the country, that is an academy. तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन बायोस्फीयर रिजर्व्स। पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे दूं, आई ऑलवेज गिव दिस इंट्रो इन ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व्स के सेशंस में, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ज्योग्राफिकल टेरिटरीज हैं, यस ज्योग्राफिकल टेरिटरीज फोकसिंग अपॉन इकोसिस्टम कंजर्वेशन। इनका पूरा फोकस कंजर्वेशन ऑफ द होल इकोसिस्टम पे, इंक्लूडिंग द प्लांट्स, एनिमल्स, फूड चेन, फूड वेब, बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग, पूरे सिस्टम पे फोकस है। सिस्टम इज द फोकस ऑफ कंजर्वेशन, नॉट अ सिंगल प्लांट या सिंगल एनिमल। ऐसा नहीं है कि केवल टाइगर का कंजर्वेशन करना है, इस पूरे इकोसिस्टम का कंजर्वेशन करना है। एंड ये वेरी बिग टेरिटरीज होते हैं जिनको सब डिवाइड किया जाता है 3 स्मॉल टेरिटरीज में। ये देखिए द कोर एरिया ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, द इनर एरिया which is completely devoted to only research activities, yes, research for conservation, research and development for biodiversity, केवल रिसर्च एक्टिविटीज होती है अंदर के कोर एरिया में। उसके बाहर दो zones है, बफर zones, ये देखिए के बाहर बफर zone और उसके बाहर ट्रांजिशनल एरिया, यू कैन सी इट हियर, ट्रांजिशनल एरिया, बफर zone एंड ट्रांजिशनल एरिया में ऑल 4 एक्टिविटीज आर अलाउड, इंक्लूडिंग रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यू कैन सी इट हियर, रिसर्च दोनों जगह अलाउड है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दोनों जगह अलाउड है, सेटलमेंट्स दोनों जगह अलाउड है, एंड टूरिज्म दोनों जगह अलाउड है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स का मतलब है ट्राइबल्स एंड लोकल्स के सेटलमेंट्स, यस। इन शॉर्ट यहाँ पे कंजर्वेशन में एक बड़ा फोकस ट्राइबल्स या लोकल्स के तरीकों से है, ठीक है। इन शॉर्ट द लोकल सॉल्यूशंस आर टेकन अप टू टैकल द बायोडाइवर्सिटी चैलेंजेस। तो लोकल्स एंड लोकल कम्युनिटीज के पार्टिसिपेशन से ही कंजर्वेशन यहां किया जाता है। इन शॉर्ट द फोकस इज ऑन लेटिंग द ट्राइबल्स लिव हियर, लिव इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड हेल्प इन कंजर्वेशन। इन शॉर्ट सस्टेनेबल लिविंग पे फोकस, दे आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये बायोस्फीयर रिजर्व्स डिमार्केट कौन करता है स्टूडेंट्स, इट इज डिमार्केटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट्स। तो इंडिया में भी इंडिया ने डिमार्केट किया है अपने यहाँ डिफरेंट जिस क्या कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स अक्रॉस द कंट्री। एंड वंस इट इज डिमार्केटेड, इट इज ऑल्सो सेंट, इज ऑल्सो नॉमिनेटेड एंड सेंट टू यूनेस्को,
यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को को भी इसका नाम भेजा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, 1971 में लॉन्च किया गया यह प्रोग्राम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। एंड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में यूनेस्को गोज ऑन टू चूज सर्टन बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आफ्टर सीइंग दैट दे सेटिस्फाई द क्राइटेरिया और नॉट। एंड वंस द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर चोजन, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स इसकी लिस्ट में आ गए यूनेस्को की लिस्ट में, यूनेस्को प्रोवाइड्स फंडिंग, प्रोवाइड्स टेक्निकल सॉल्यूशंस, प्रोवाइड्स एक्सपर्टीज। यस, तो फंडिंग से लेकर टेक्निकल सॉल्यूशन से लेकर एक्सपर्टीज तक सब कुछ यूनेस्को प्रोवाइड करता है फॉर द एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो वंस मींस वंस बायोस्फीयर रिजर्व इज डिमार्केटेड, it is the duty of all the countries to send it to UNESCO to get it selected in the Man and Biosphere program. तो आइए देखते हैं students, ये तो हम लोगों ने detail में देखा भी है the first session of this series, ठीक है? Already 10 videos upload हो चुके हैं series के, Biosphere reserves हम लोगों ने अच्छे खासे cover कर लिए हैं, हिमालय के सारे Biosphere reserves we have finished it, we have studied in detail, ठीक है? We have also studied Great Run of Kutch and Panna Biosphere reserve. और आज हमारा पूरा फोकस गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। आइए देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार का डिटेल फ्लोरा, डिटेल फौना, यानी डिटेल में प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कोरल रीफ्स एंड कुछ करेंट अफेयर्स होगा तो हम वो भी देखेंगे। तो गल्फ ऑफ मन्नार यू कैन सी इट इज लाइंग बिटवीन श्रीलंका एंड द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आप देख सकते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार, इट्स अ पार्ट ऑफ लक्कादीव सी, लक्कादीव सी यहीं पे है, उसी का पार्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। लक्कादीव सी इट्सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर का पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, और लक्कादीव सी का एक पार्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार इज सेपरेटेड फ्रॉम पॉक बे, ये देखिए नॉर्दर्न रीजन यहाँ पे पॉक बे, एक अनदर वाटर बॉडी, अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो ये भी सवाल आ सकता है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, द बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार आर सेपरेटेड बाय व्हाट, तो इट इज सेपरेटेड बाय कंप्लीट, यू कैन सी इट हियर, सेट ऑफ आइलैंड्स आउट हियर, एंड दिस सेट ऑफ आइलैंड्स आर नोन एज राम सेतु या एडम्स ब्रिज, ये देखिए एडम्स ब्रिज या राम सेतु, ये पॉक बे या और ये गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। राम सेतु या एडम्स ब्रिज इज अ सेट ऑफ इज अ चेन ऑफ नेचुरल लाइमस्टोन, नेचुरल लाइमस्टोन शोल्स एंड आइलैंड्स आउट हियर, एंड इट इज ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिंदू रिलीजन, इन फैक्ट एक बहुत फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट रामेश्वरम इज लोकेटेड आउट हियर, जस्ट ऑन द इंडियन कोस्ट लाइन अपॉन पाम्बन आइलैंड। ये देखिए पाम्बन आइलैंड इंडिया को बिलोंग करता है और इसी पर रामेश्वरम द फेमस पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज इज लोकेटेड, और इसी आइलैंड का लास्ट पॉइंट है धनुषकोड़ी, ये देखिए यहाँ पे धनुषकोड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धनुषकोड़ी के बाद पूरे लाइमस्टोन शोल्स एंड आइलैंड्स एडम्स ब्रिज का नाम दिए हुए। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पॉक बे को सेपरेट करता हुआ पूरा बेल्ट याद कर लीजिएगा, फ्रॉम द श्रीलंकन साइड इट्स द मन्नार आइलैंड, यू कैन सी इट हियर, द लाई मन्नार, द मन्नार आइलैंड। तो दिस इज द लोकेशन, डिटेल में देखिए आप, और ये देखिए ये क्या कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, इसी बेल्ट को कहते हैं, इस पूरे बेल्ट को, दिस होल बेल्ट इज फुल ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, यस, वन ऑफ द रिचेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाया जाता है, और इंडिया की तरफ से एक फेमस सिटी इसी के कोस्ट पे, द पोर्ट सिटी ऑफ ट्यूटीकोरिन या तुतीकोड़ी इज लोकेटेड आउट हियर। ट्यूटीकोरिन या तुतीकोड़ी मैं बता दूं आपको, इट इज वन ऑफ द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये भी सवाल निकल सकता है स्टूडेंट्स, दैट मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया तुतीकोड़ी कहाँ पे लाई करता है, इट इज अपॉन द गल्फ ऑफ मन्नार, इसे याद रखिए। तो लेट्स सी द डिटेल आउट हियर,
अब यहाँ पे क्या ये गल्फ ऑफ मन्नार में क्या आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे? यस, ऑन द इंडियन कोस्ट देर आर फोर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ये देखिए फोर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे हैं, और ये फोर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए एक बार, हैव अ लुक, देर आर फोर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आउट हेयर इन द गल्फ ऑफ मन्नार, द कोस्टल आइलैंड्स, जहाँ पे लोकल्स रहते हैं। और इन आइलैंड्स का नाम नोट कीजिए, पहला ट्यूटी कोरिन आइलैंड्स, ट्यूटी कोरिन आइलैंड्स द फर्स्ट वन, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मैं बता रहा हूँ। सेकेंड वन द वेम्बार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वेम्बर, ट्यूटी कोरिन फिर वेम्बर, VEMBAR। थर्ड किला करई, किला करई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एंड फोर्थ इज मंदपम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मंदपम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। चार सेट यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन, द वेम्बार, द किला कराई, द मंदपम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहाँ लाई करते हैं? इट लाइज इन द गल्फ ऑफ मन्नार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट। इसका मतलब है इन आइलैंड्स पे रहने वाले लोकल्स भी इन्वॉल्व हैं कंजर्वेशन में। यस, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व। तो लेट्स सी, ये बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया कितना, लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है। इट एक्सीड्स, द एरिया इज मोर देन 10,500 स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व टू रिवर्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया की तरफ से दो नदियां ड्रेन करती हैं इस जगह पे, बहुत इंपॉर्टेंट, और श्रीलंका की तरफ से भी एक रिवर ड्रेन करती है इन दिस बेल्ट, एंड द नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया की तरफ से वाइपर रिवर, फ्रॉम इंडिया वाइपर, वाइपर नदी यानी वाइपर रिवर ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ मन्नार। एंड सेकेंड द ताम्रपर्णी रिवर, दैट इज द थमीरा बिरानी रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थमीरा बिरानी नदी, इसको ताम्रपर्णी रिवर भी कहते हैं, ताम्रपर्णी, ये ताम्रपर्णी से ही नाम पड़ा श्रीलंका का, ओल्ड नेम यही था। दिस अराइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इट इज द ओनली रिवर, ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ तमिलनाडु, ओनली पेरेनियल रिवर, एकमात्र नदी है जो साल भर फ्लो करती है, फुल ऑफ वाटर, ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ तमिलनाडु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फुल्ली ये तमिलनाडु में फ्लो करती है, द बोथ द रिवर्स वाइपर रिवर एंड थमीरा बरानी रिवर, दैट इज अ ताम्रपर्णी रिवर। तो ये यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन, इंडिया की तरफ से कौन सी दो रिवर्स फ्लो कर रही हैं इसमें, एंड श्रीलंका की तरफ से एक रिवर है मलवत्थु रिवर, इट इज फ्लोइंग इन टू द मलवत्थु रिवर इज फ्लोइंग इन टू द गल्फ ऑफ मन्नार, वेरी इंपॉर्टेंट, मलवत्थु रिवर फ्रॉम द श्रीलंकन साइड। और इसी गल्फ ऑफ मन्नार पे दो फेमस सी पोर्ट्स हैं, एक इंडिया की तरफ से मैंने कहा ट्यूटी कोरिन, एंड श्रीलंका की तरफ से कोलंबो, कोलंबो हैज बीन इन न्यूज, कोलंबो का ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, इंडिया एंड जापान वर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट, बट कोलंबो के इस प्रोजेक्ट से इंडिया को निकाल बाहर किया गया, इंडिया एंड जापान को, प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है श्रीलंका में, and relations are not that good between India and Sri Lanka at present. तो चलिए आगे बढ़ जाएं students, Gulf of Mannar, ये देखिए protected area, 21 small islands, set of islands मैंने बताया, Tuticorin group, Vembar group, किला कराई group and Mandapam group, and coral reefs भी हैं साथ में। ये देखिए ये Tuticorin seaport और धनुष कोड़ी के बीच में लाई करने वाला ये पूरा belt है, ये देखिए। एंड इस रीजन में थ्री डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तीन प्रकार के इकोसिस्टम्स हैं, एक है कोरल रीफ, एक है मैंग्रोव्स और एक है सी ग्रासेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंग्रोव्स आर कोस्टल इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स आर फाउंड इनसाइड द सी, एंड सी ग्रासेस आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द गल्फ ऑफ मन्नार, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बायोलॉजिकल वेल्थ एज यू कैन सी। एंड बहुत लग्जरियंट ग्रोथ है मैंग्रोव्स का इन पूरे बेल्ट्स में, एंड स्वैम्पी रीजन्स हैं इसके आसपास, मार्शी एरियाज हैं। ये देखिए मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, यू कैन सी इट हियर, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स,
अकरिंग इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स, यस, और ये सब जगह कोस्टल एरियाज में देखिए लाइक करता है। ये देखिए सुंदरबंस इज द मोस्ट फेमस मैंग्रोव बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में भी ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। एंड मैंग्रोव्स में आप देख सकते हैं दे आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स एंड दे हैव सर्टेन अडेप्टेशंस। वन इज वीवीपैरी, ये देखिए वीवीपैरी, द जर्मिनेशन ऑफ द सीड अकर्स अपॉन द प्लांट इटसेल्फ। जर्मिनेशन सीड का प्लांट मदर प्लांट पे ही होता है, नए सीड का, तब जाकर उसे फ्लोट वो करता है आफ्टर जर्मिनेशन, इट फ्लोट्स इंडिपेंडेंटली। And also you might have heard pneumatophores, the roots coming out, the mangrove roots coming out of the salty ecosystem. ये देखिए समुद्र का पानी है यहाँ पे, it's salt ecosystem, और यही वजह the roots come out for the purpose of respiration. So pneumatophores भी याद करना बहुत ज़रूरी है। And viviparity, ये देखिए मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बन सिंक अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो द रिचेस्ट इकोसिस्टम्स, वन ऑफ द रिचेस्ट इकोसिस्टम्स, जहाँ से फिशिंग होती है, हनी भी कलेक्ट किया जाता है, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी। सुनामी यानी हाई राइज वेव्स को भी काउंटर करता है मैंग्रोव्स। ये देखिए मैंग्रोव्स में द टोटल मैंग्रोव एरिया जो पूरे वर्ल्ड का है 15 मिलियन हेक्टेयर्स का है, ठीक है, सबका सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में लाई करता है, ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में। एशिया हैज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ मैंग्रोव्स, ये देखिए, और उसमें सबसे रिचेस्ट इन साउथ एशिया। और ये देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, एज यू कैन सी इवन तमिलनाडु हैज वेरी लेस मैंग्रोव कवर, और जहां भी मैंग्रोव्स हैं तमिलनाडु में दे आर अ पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। तो आई सपोज यू गॉट इट स्टूडेंट्स, मैंग्रोव्स आर कोस्टल इकोसिस्टम्स। ये देखिए ऐसे पेड़ जो कोस्ट के पास पाए जाते हैं, ठीक है, एंड दे हेल्प, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट इकोसिस्टम्स, दे ऑल्सो हेल्प इन काउंटरिंग द सुनामी इम्पैक्ट्स। सेकेंड इकोसिस्टम गल्फ ऑफ मन्नार का कोरल रीफ्स, एज यू कैन सी हियर, अंडर वाटर इकोसिस्टम। कोरल्स, कोरल पॉलिप्स आर स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे विद द एल्गी, विद द ज़ूओज़ैंथेला एल्गी। तो कोरल रीफ्स भी पाए जाते हैं कोस्टल इकोसिस्टम्स में, एंड वन ऑफ द रिचेस्ट कोरल रीफ्स इन अराउंड इंडिया इज इन द गल्फ ऑफ मन्नार। एंड इनके आसपास देखिए कोरल रीफ्स, देखिए कलरफुल कोरल्स, इसमें फिशेस भी पाई जाती है, द होल फूड चेन इज फाउंड आउट हियर। एंड इनकी कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट के कवर यानी शेल्स होते हैं इनके ऊपर। तो दीज आर द कोरल रीफ, वन ऑफ द रिचेस्ट इकोसिस्टम्स। आपको पता होगा द ग्रेट बैरियर रीफ इज द मोस्ट इज द बिगेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। एंड थर्ड इकोसिस्टम यहाँ का गल्फ ऑफ मन्नार का एल्गल रिसोर्सेज, द एल्गी, द सीवीड्स, मैंने कहा यहाँ पे सीवीड्स यानी मराइन एल्गी इज फाउंड अपॉन द बेस ऑफ द सी। ये देखिए तो इनफैक्ट ये एल्गी भी तीन प्रकार का होता है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, कैन सी इट्स फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार हैज थ्री डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम्स, एल्गी, कोरल रीफ एंड मैंग्रोव, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं, ये हो गया फ्लोरा, दैट इज द प्लांट्स। आइए देखते हैं फौना। फौना में दो बहुत स्पेसिफिक एनिमल्स, ये है ड्यूगोंग, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है स्टूडेंट्स बेलेनोग्लॉसस, ये देखिए। और इसके अलावा सी टर्टल्स पाए जाते हैं इस बेल्ट में, तो ये देखिए सी टर्टल्स। तो ऑल द सी टर्टल्स फाउंड अराउंड इंडिया आर इन द गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार इज द ओनली इकोसिस्टम इन इंडिया, ओनली, ये देखिए, वेयर ऑल द फाइव सी टर्टल स्पीसीज हैव बीन रिपोर्टेड, जो इंडिया के आसपास पाए जाते हैं। फेमस इसमें से चार स्पीसीज हैं, ऑलिव रेडलेट टर्टल्स, द ग्रीन टर्टल, द हॉक्सबिल टर्टल एंड द लेदर बैक टर्टल। तो ऑलिव रेडले वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, द ग्रीन टर्टल ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, द हॉक्सबिल टर्टल, ये देखिए,
एंड द लेदर बैक टर्टल, लेदर बैक टर्टल इज द बिगेस्ट टर्टल ऑफ द वर्ल्ड, ये देखिए। और ये ऑल द फोर स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972। शेड्यूल वन मीन्स स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड टू दीज, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, ये देखिए। तो ये तो मराइन टर्टल्स का हो गया, ये चार स्पीसीज जरूर देख लीजिएगा, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया था, मोस्ट स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, यानी इनकी हंटिंग बैंड है इन एनी सिनारियो, ठीक है। नेक्स्ट हैव अ लुक ड्यूगोंग, ड्यूगोंग को एक और नाम दिया गया सी काओ, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ हर्बीवोरस मैमल, ये देखिए, ओनली हर्बीवोरस मैमल विच इज स्ट्रिक्टली मराइन, ये देखिए, ओनली हर्बी, एकमात्र हर्बीवोरस मैमल दैट इज स्ट्रिक्टली मराइन एंड इट इज फाउंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार, ये देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, रेड सी में भी है, अफ्रीका के कोस्ट पे भी है एंड अरेबियन सी कोस्ट पे है टिल श्रीलंका यहाँ पे, इट इज नॉट फाउंड ऑन द बे ऑफ बंगाल कोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूगोंग, देखिए सी काउस, ये सी ग्रास यानी एल्गी पे फीड करता है, ये हर्बीवोरस है, 70 ईयर्स की इसकी लाइफ होती है और बहुत बड़े साइज का होता है, एंड यू कैन सी इट हियर, इट इज वेरी अबंडेंस में पाया जाता है इन द साउथ ईस्ट एशिया बेल्ट, द पैसिफिक ओशन और ऑस्ट्रेलिया के आसपास तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट, इनफैक्ट द रिचेस्ट प्रेजेंस ऑफ दिस इज फाउंड इन दिस रीजन, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, इट इज ऑल्सो फाउंड अराउंड अंडमान एंड निकोबार इन इंडिया। तो इंडिया में केवल दो जगह पे पाया जाता है, एक तो मीन्स अगर बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार और एक ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको IUCN स्टेटस क्या है इसका, वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, ये देखिए, लेकिन इंडिया में इट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंडिया ने इसको अलग टैग दिया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि इंडिया में संख्या कम हो रही है, द नंबर्स हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली इन इंडिया एंड दिस इज व्हाई इंडिया हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम फॉर इट्स कंजर्वेशन, यू कैन सी इट हियर, देखिए इसको, इसका हंटिंग भी देखिए किया जाता है, यही वजह है, द थ्रेट्स आर इंसिडेंटल कैच ड्यूरिंग फिशिंग एंड ऑल्सो पोचिंग, कैचिंग इट फॉर द बॉडी पार्ट्स, एंड देखिए पॉल्यूशन ऑल्सो, ऑल्सो बोट ट्रैफिक, डिजीज एंड हंटिंग इज डन, यही वजह है ड्यूगोंग के ऊपर स्पेसिफिक फोकस और ड्यूगोंग को इंक्लूड किया गया, इसीलिए स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इज अ सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है एंड दिस क्या कहते हैं, द सेंटर गिव्स फंडिंग टू द स्टेट्स, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, इसमें ड्यूगोंग भी एक स्पीसीज है, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड टैग दिया गया इंडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्पीसीज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेलेनोग्लॉसिस, जो मैंने बताया बेलेनोग्लॉसिस इज ओशन ड्वेलिंग वर्म, ये देखिए कीड़ा है, एक प्रकार का कीड़ा ओशन में रहता है और ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का कनेक्टिंग लिंक है और इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स दोज द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, दोज हु हैव अ वर्टिब्रल कॉलम, द वर्टिब्रेट्स, यस, स्पाइन जिसके जिसके शरीर में रहता है वर्टिब्रेट्स, और यही वजह स्टूडेंट्स दैट इन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के बीच में ये वर्म एक कनेक्टिंग लिंक है, इसको लिविंग फॉसिल भी बोला गया। यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, इट्स बेलेनोग्लॉसिस एंड इज इट नेम्ड एज अ लिविंग फॉसिल, यस, बहुत कम संख्या में अवेलेबल है आउट हियर एंड इट्स फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, और लास्टली गल्फ ऑफ मन्नार में कौन से लोकल्स रहते हैं, मराकेयर्स, ये देखिए मराकेयर्स आर द लोकल पीपल प्रिंसिपली एंगेज इन फिशरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन यूपीएससी, ये लोकल्स मराकेयर्स कहाँ पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, और यही वजह है कि यहाँ यहाँ की फंडिंग यहाँ यहाँ पे कंजर्वेशन में इनकी मदद ली जाती है, देर आर 47 विलेजेस अलोंग द कोस्टल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, और जैसा मैंने बताया स्टूडेंट्स दैट यहीं पे एक फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है हिंदूज का रामेश्वरम, विच फाइंड्स इट्स प्लेस इन द एपिक रामायण, वन ऑफ द ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया,
is situated on the in the gulf on the island of Amban island pe. So that was it from my side. Gulf of Mannar mein Mara cares the local peoples dekha hum logon ne. This we also saw the Rameshwaram is located on Pamban island. We also saw the dugong. Dugong ek specific bahut important species. UPSC ne already question pucha 2012 ya 13 ke prelims mein. And next sea turtles, all four sea turtles are all five sea turtles of India are found here. It is the only place to have all these. और इसमें से चार बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लेदर बैक एंड ओलिव रिडलेस सबसे फेमस. उसके अलावा ड्यूगोंग आपने देखा, सी काउ एंड बेलानोग्लॉसिस लिविंग फॉसिल. एंड कोस्टल इकोसिस्टम में एल्गी, कोरल रीफ एंड मैंग्रोव्स. सो दैट वाज इट स्टूडेंट्स अबाउट द गल्फ ऑफ मन्नार. द क्वेश्चन माइट कम. एंड एंड करने से पहले मैं ये भी बता दूं, कोरल रीफ जो है गल्फ ऑफ मन्नार में, they saw a heavy death of corals. The coral bleaching happened in 2017. Approximately 50% corals yahan pe death ho gaye hai, all because of rising temperatures. Yahan 32 se 36 degree celsius mein jaise hi temperatures pahunchta hai, massive corals get killed. This process is known as coral. So ye current affairs ka news tha, and this is signifying that global warming is the reason for coral bleaching in Gulf of Mannar. Global warming, the rising temperature. So that is it students. And also please focus upon the rivers from Indian side, the Vaipar river and Tamrapani river flowing into this. So isi ke sath samapt karte hain aaj ka session, and I hope that session pasand aaya hoga. Iska PDF lene ke liye aaiye Telegram channel IAS Toppers Mantra pe. And yes students, next session ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व पे जल्दी ही अपलोड होगा. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद. आई विल एंड द सेशन.